अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा वीलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के हवाले से है। इस वीलॉग में हम आपको तफसीली बताएंगे कि तहरीक इंसाफ को किस किस्म के लोगों ने वोट दिया और उनकी खान साहब से किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता थी। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वालों में कई ग्रुप थे, जिनमें से कुछ बड़े ग्रुप्स का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहला बड़ा ग्रुप जो समझते थे कि खान साहब साइकिल पर वज़ीर आज़म हाउस जाया करेंगे। दूसरा बड़ा ग्रुप उन अफराद पर मुश्तमिल था जिनको यकीन था कि खान साहब खुदकुशी कर लेंगे लेकिन कर्जा बिल्कुल नहीं लेंगे। तीसरा ग्रुप जज्बाती ग्रुप, ये समझ रहा था कि खान साहब 100 अरब डॉलर दुनिया के मुंह पर मारेंगे और बाकी 100 अरब डॉलर कौम पर खर्च करेंगे। चौथा ग्रुप मासूम ग्रुप, जो समझता था कि खान साहब की एक कॉल पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी अरबों डॉलर पाकिस्तान भेज देंगे। पांचवा ग्रुप नासमझ ग्रुप, आज भी कहता है कि खान को वक्त दो, 1 रुपये के 200 डॉलर मिला करेंगे। छठा ग्रुप ख्याली ग्रुप, जो समझता था कि खान ने पहले ही इतनी शोहरत और दौलत देखी है कि उसे वजारत उज़्मा का कोई लालच नहीं और ना ही वो किसी के नीचे लगकर काम करेगा। सातवां ग्रुप बहुत शदीद ग्रुप, जो समझता था कि खान की नेक नीति के सामने काबिलियत कोई अहमियत नहीं रखती, सोचते थे कि खान पंजाब पुलिस समेत हर महकमे को सीधा कर देगा। आठवां ग्रुप दुल्ले शाह ग्रुप, उसे उम्मीद है कि ये कौम अजीम कौम बनेगी और ये सारे दानिशमंद वो थे जो हमेशा किसी मोहम्मद बिन कासम के इंतज़ार में रहते हैं, जो समझते हैं कि उनके मसाइल कोई फ़र्द वाहिद ही हल कर सकता है। नौवां ग्रुप हम जैसे लोगों का है, जिसको यकीन था कि खान वही करेगा जो वो कर रहा है। यही वो ग्रुप है जिसे खान ने मायूस नहीं किया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।